दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक बेरोजगार व्यक्ति हैं तो आप लोगों के लिए भारत सरकार एक योजना चला रही है जिसके अंतर्गत आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बेरोजगारी आईडी भी दी जाएगी, यानी कि एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उसमें आपको जॉब सर्च करने का ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप किस तरीके से उसमें जॉब सर्च करेंगे। जिस कैटागरी में आप जॉब करना चाहें यानी काम करना चाहें तो उस कैटागरी में आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर जॉब कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अगर बेरोजगार व्यक्ति हैं तो किस तरीके से आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरीके से आप अपनी बेरोजगारी वाली जो आईडी है यानी कि सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करेंगे। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उस ब्राउजर में आपको टाइप कर देना है ncs.gov.in और सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आप नेशनल करियर सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, उस पर क्लिक कर आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आते ही आप जो है अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद डाउनलोड करने के लिए सीधा आप जॉब स्कीपर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको सिंपल से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप पैन कार्ड से या फिर ई श्रम कार्ड से या फिर अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने और ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमको आधार कार्ड जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको सिंपल से अपना आधार कार्ड जो है फिल कर देना है। यहाँ पर हमको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखकर आ गया है यूआईडी नंबर इज अवेलेबल। उसके बाद में यहाँ पर हमसे फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, आपको नेम फिल कर देना है। यहाँ पर हमको लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ पर हमारा जेंडर पूछा जा रहा है, आप फीमेल हैं या मेल हैं। यहाँ पर हमारा स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर हमका जो है फादर का नाम जो है यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट एडिक्शन यानी कि आप क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी, 9th पास है, 10th पास है, 12th पास है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे ईमेल पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर ईमेल अपनी फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर हमको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि 8 अंकों का होना चाहिए। यहाँ पर हमको रिटाइप पासवर्ड यानी कि दोबारा से वही पासवर्ड सेम यहाँ पर हमको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है चूज योर यूजर नेम, यानी कि आप इस वेबसाइट पर दोबारा से लॉगिन करने के लिए एक यूजर नेम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमको एम्प्लॉयड स्टेटस यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप फुल टाइम काम करेंगे या फिर पार्ट टाइम काम करेंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में की स्किल्स में आप यहाँ पर कोई भी चीज जो है आप जिसमें माहिर हो काम करने में उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो आप यहां पर जो है अपनी स्किल्स की कुछ की यहां पर फिल कर सकते हैं। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप इंटरनेशनल जॉब करना चाहते हैं यानी कि आप देश के बाहर अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है वरना आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चर दिख रहा होगा, इस बॉक्स में आपको ये कैप्चर फिल कर देना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र NCS ID आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP गई है और जो आपने ईमेल दिया है उस पर भी OTP गई है। तो आपको मोबाइल नंबर वाली OTP को डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको जो आपकी ईमेल पर OTP गई है उसको इसमें डालकर वेरीफाई कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको आगे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो हमको हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो हमको ये सीधे लॉगिन वाले पेज पर लेकर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमसे यूजर नेम में हमको ईमेल आईडी हमको फिल कर देनी है। यहाँ पर पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को इसमें फिल कर देना है और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान देना यहाँ पर अगर बाई चांस आपको यहाँ पर बैक कर देता है, किसी प्रकार का सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको यहाँ लॉग इन वाले ऑप्शन क्लिक कर लॉग इन कर लेना है। साइन इन पर क्लिक करते ही आप नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल में लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रोफाइल नेम शो हो जाएगा। यहाँ पर आप सर्च जॉब देख रहे होंगे। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी की जॉब करना चाहते हो जैसे कि डाटा एंट्री की जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पर डाटा एंट्री लिखकर और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके डाटा एंट्री की जितनी भी जॉब्स निकली होंगी सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब हमको सिंपल से क्या करना है, आपको बेरोजगारी वाला जो आईडी कार्ड है यानी कि सर्टिफिकेट है वो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे NCS रजिस्ट्रेशन कार्ड,
हमको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने NCS रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस का जो आपका आईडी कार्ड है यहाँ पर शो हो जाएगा। डाउनलोड आईडी कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप इसमें अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे यानी कि प्रोफाइल को सेट करेंगे जिससे कि आपकी जो नौकरी है यानी कि आपकी जॉब्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपकी प्रोफाइल पर शो हो जाए और आपकी जॉब लग सके। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसमें प्रोफाइल को सेट करेंगे, प्रोफाइल को अपनी स्किल्स को और अपने एड्रेस को अपनी फोटोज को कैसे इसमें ऐड करेंगे, सारा कुछ अगले वीडियो में बताएंगे। सो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।